अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से ही, जहां बाल गृह कर्मियों की बड़ी लापरवाही। शासकीय बाल गृह दुर्ग से एक बच्चा भाग गया है। बाल गृह की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कोलकाता से पिता ने उसे छोड़ा था। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, लगातार हम देख रहे हैं बाल गृह से काफी ज्यादा शिकायतें आ रही है। एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां एक बच्चा बाल गृह से भाग गया। किसकी लापरवाही यहां पर देखी जा रही है और बच्चे को लेकर क्या कुछ अपडेट? जिस प्रकार से यह जो घटना हुई है, जिसमें कोलकाता से पिता ने 13 वर्षीय बालक को बाल सुधार गृह में छोड़ा था, परंतु वह वहां से भाग निकला, यह पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी और भी कई प्रकार की इस तरीके की घटना हो चुकी है, जिसमें जो नाबालिग बच्चे हैं वहां से कई बार भाग चुके हैं, और पुलिस जो कि दावा करती है कि इस तरीके की घटना नहीं हो रुकी हुई है, परंतु इस पे ये करारा जवाब है कि जिस तरीके से 13 वर्षीय जो बालक है और ये जो जिस तरीके से बाल गृह दुर्ग से जिस तरीके से भागा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा पे और शासन प्रशासन की सुरक्षा पे ये बहुत बड़ा एक बोला जाए तो एक चूक है, चूक बोलेंगे या फिर लापरवाही बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही भी इसमें उजागर होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरीके से 13 वर्षीय बालक अगर भाग जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार की चूक जो देखने को मिल रही है, तो ये चूक लापरवाही का एक कारण पता चल रहा है। जी, कर्मचारियों का क्या कहना है या जिम्मेदारों का क्या कहना है, जिनकी जिम्मेदारी होती है ये सुनिश्चित करने की कि बच्चे सुरक्षित हैं और इस तरह के मामले सामने ना आए, बच्चे भाग ना जाए, जिसकी जिम्मेदारी है उसका क्या कुछ कहना है? बातचीत हो पाई है क्या उनसे? देखिए, पूर्व में भी जब इस तरीके की घटनाएं हुई थी तो पूर्व में भी कई पुलिस अधिकारियों से हमने बात की थी, तो पुलिस अधिकारी सिर्फ यह बात को लेकर ही अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि नाबालिग के ऊपर ना हम किसी भी प्रकार का कोई दबाव बना सकते हैं, ना कोई डांट कर सकते हैं, जिसके वजह से नाबालिग अपने मन की करते हैं और इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे वो भागने की बात हो, चाहे वो बाल सुधार गृह से भाग कर किसी भी वारदात को अंजाम देने की बात हो, जिसके कहीं ना कहीं पुलिस वालों की बात भी, पुलिस अधिकारियों की बात भी इस तरह से सही प्रतीत होती नजर आती है, क्योंकि जो नाबालिग है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बलपूर्वक बल प्रयोग नहीं किया जा सकता, न ही उनको किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा सकता है। वहीं बाल सुधार गृह में जो कई तरीके जो लोग वहां पे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो लापरवाही है, जो लापरवाही वो करते हैं, इसका खामियाजा और लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल जिस तरीके से, जी बिल्कुल। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और जिसकी गलती है उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।